और ये रख दिया मैंने बैटर से इडली का। केएमपी, केएमपी से हम पलवल, पलवल से खैर, और हम पहुंच गए अपने फार्म हाउस पर। है सवारी, द बेस्ट सवारी इन द वर्ल्ड। ये लगवाई ये घास, अब होगी ग्रीन अप बहुत। और ऐसा एम्बियंस पता नहीं कब लास्ट टाइम देखा। वो भी है उधर भी बहुत बड़ा। अरे वाह बहुत बढ़िया। हे गाइस वेलकम बैक टू चौधरी टेल्स, और आज है 12 नवंबर, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार चौधरी टेल्स के ब्लॉग्स में। तो आज बज रहे हैं दोपहर के 12, जल्दी उठ गए हम। आज जाएंगे हम खैर खैर फार्म हाउस पे जाएंगे, उससे पहले देख रहे हैं क्या बन रहा है यहाँ पर। यहाँ पर बन रहे हैं इडली और सांभर, मम्मा बना रही है इडली सांभर। हम उठे और यहाँ पर सांभर बन चुका है और ये बन रही है इडलियाँ। ये रहा सांभर जिसको हम खाएंगे थोड़ी देर में, और ये रख दिया मम्मी ने बैटर इडली का। मम्मा कर रही है सुबह से मेहनत। चलिए गाइस बने रहिए ब्लॉग के साथ, और अब मेहनत हो रही है दामा जी के लिए। जैसा कि हमको पूर्ण विश्वास था कि हम टाइम पर रेडी हो जाएंगे, बट हमारी वाइफ नहीं होंगी रेडी और नहीं हो पाएंगी। सो बेसिकली घर वाले जो भी ब्लॉग देखेंगे इसको उनको पता है लेट हम किसकी वजह से होंगे, अप्पू की वजह से, कि अप्पू लेट होगी, है ना अप्पू? ओह शी सेज हाँ, जैसा आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है। तो आज हमने जिम स्किप कर दिया है क्योंकि हमने उठते ही कुछ ना कुछ खा लिया था, और आज मन नहीं था जाने का जिम। मम्मा अब इडली कर दो मेरे लिए फिर। अब खाने का काम बचा, आज कुछ नहीं कर रहे, बस खाना ही खाना। फिर से करते हैं अपनी पैकिंग शुरू, फिर हमारा काम यही है पैकिंग करते हैं ना, यहाँ से वहाँ जाते हैं ना पूरा। हम इसलिए अनपैक ही नहीं किया था यहाँ पर आपका सामान, पता ही है भागना है इधर से उधर हमको। मम्मा तो बोलती है बेटा बैग ही यहाँ पर सामान जमा ही लो, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर। आधे आधे कपड़े पालम में और आधे कपड़े टीकरी में, क्योंकि टीकरी जाते हैं पहुंचते ही है तो घर वाले बोलते हैं बेटा कब आ रहे हो, जब यहाँ पालम पहुंचते हैं पापा बोलते हैं कब आ रहे हो, ये सही है इनका। तो गाइस हम निकल चुके हैं टीकरी से, अब जा रहे हैं खैर की ओर। हमने कहा था हम निकल जाएंगे 3 बजे के आसपास, टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं, पर नेवरतheless रोड अपना गाड़ी अपनी कभी पहुंचो आराम से। और वो तो यूपी है ब्रो, यूपी यूपी 16 यूपी 16 मुआवजा बोला। चले गाइस मिलते हैं आपको रोड पर। अब यहाँ से चढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे प्यारे रोड पर, सोना रोड, जो कि सीधा हमको उतारेगा सोना, सोना से पकड़ेंगे केएमपी, केएमपी से हम पलवल, पलवल से खैर, और हम पहुंच गए अपने फार्म हाउस पर सो फास्ट। इस शायद मुश्किल से 5 मिनट हुई नहीं है निकले हुए, और खाने में खाना खाया जा रहा है। ये मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे खाना दो मुझे खाना दो। हम लोग फिर से 5 मिनट हुई मुश्किल से हमको, और ये देखो खाना शुरू। ये जी हम केएमपी से उतर गए हैं ऑलमोस्ट, अब दिल्ली की तरफ चलेंगे यहाँ से पलवल की ओर। पलवल जाएंगे, पलवल से राइट जाएंगे खैर की तरफ। फिर अब ये है पलवल एरिया, इसमें लगता है बहुत बड़ा जाम। अब इसके ये क्लियर हुआ तो फिर जट्टारी मिलेगा थोड़ा जाम, फिर हम पहुंच जाएंगे। ये है सवारी, द बेस्ट सवारी इन द वर्ल्ड। व्हाट आई हेट द मोस्ट व्हाइल ड्राइविंग एट नाइट स्पेशली हरियाणा रोड्स, ये देखो ये सिंगल रोड है, देखो आगे पूरा सिंगल रोड है, इसी रोड पे सब लोग आ रहे हैं, इसी पे हाई बीम चला रहे हैं सब लोग। अब करे तो करे क्या, देखना जैसे यूपी में एंटर करेंगे वाह योगी जी वाह, वहां पर डबल रोड मिलेंगे। ये ट्रैक्टर देखो नो लाइट्स, अब बंदा दिखेगा नहीं तो क्या होगा, अचानक से तो 20-30 स्पीड चलाना पड़ेगा। ये तब है जब फॉग नहीं है, जैसे फॉग हो जाएगा ना फिर देखना कितना गंदा और होता है, पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं खैर, तो उससे पहले सोचा थोड़ी सी मिठाई ले लेते हैं, मिठाई ले ली है और अप्पू ने उसमें वो भी कर दिया, क्या बोलते हैं आप चेक करो क्या अप्पू ने उसमें क्या बोलते हैं इसको यार, भोग लगा दिया अप्पू ने, इसका टेस्ट करके देखा कैसा आपको, अच्छी थी मीठा कितना था। यहाँ की फेमस शॉप है प्रकाश जी की दुकान, बहुत अच्छी थी ये, इसलिए मिठाई साइड देख, साइड देख के हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। ये हम पहुंच गए हैं अपने फार्म हाउस पर, और ये एंट्री कर ली हमने। ये लगवाई ये घास, अब होगी ग्रीन अप बहुत बहुत ग्रीन हो चुकी है। फाइनली वी आर हियर, खाली रोटी खा रहे हो? नहीं चटनी है और सब्जी भी आ रही है। वाह वाह वाह, आलू गोभी की सब्जी। यहाँ आते ही खाना शुरू, पानी नाश्ते। सो द चौधरी टेल्स फ्रॉम द खैर आर हियर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
प्रैंक 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 बहन डर गई बहन डर गई बहन डर गई जो मम्मी ने इडली भेजी थी वहां से टीके बनाकर सब लोग प्रसाद की तरह खा रहे हैं। जय बोरा जय बखारा। मैं गाइस आप सभी को बता दूं कि हमसे एक दिन पहले मेरे पापा और अप्पू के मामा जी मतलब हमारे मामा जी आए थे यहाँ पर फार्म हाउस पर ही, वो पार्टी और चिल करके गए डैडी के साथ, तो वो क्लिप भी मैंने इसी ब्लॉग में डाल दी है। सो गाइस आज आ रहे हैं भैया के फादर इन लॉ एंड उनके मामू, तो हम आए हैं प्लॉट पे क्योंकि मामी जी वगैरह प्रिपरेशन कर रही है सबकी, क्योंकि वो डिनर पे आने वाले हैं आज दिल्ली से मतलब सॉरी गुड़गांव से। ये देखिए मामी जी को कुछ तैयारी करते हुए, ये क्या बना रहे हो मामी जी? मिक्स वेज सारा प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पे। एंड ये छोटी वाली मामी जी जो कि फ्राई कर रही हैं आलू, उसके बाद इसकी मैंने ये गोभी मतलब मिक्स वेज। तो ये अंकल आ चुके हैं, हमको पता नहीं लगा अंदर के हम लोग। एक मिनट नमस्ते अंकल जी, नमस्ते माँ जी। और कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। हम एकदम बढ़िया। अंकल कैसा लग रहा है चूल्हे की रोटी? एक नंबर। बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, बहुत ज्यादा। ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल और ऐसा एम्बियंस पता नहीं कब लास्ट टाइम देखा। इधर ही आ रहा हूँ मैं भी, इधर ही शिफ्ट हो जाओ। तो गाइस ये है मेरा फेवरेट खाना आज का, फुल ऑर्गेनिक घर पे बनाओ सब कुछ। ये है इसमें चूल्हे की रोटी, चटनी, आलू गोभी सब्जी और दूध। अब आएगा मजा गाइस, काश आप लोग भी खा पाते इस कैमरा से। मेरा मन कर रहा था भाई मूली खाने का, तो बेसिकली मम्मी को भेजा है मूली तोड़ने के लिए, वो खाड़ के लाएंगे मूली। ये छोटी सी खेती बाड़ी हमारी, मूली ढूंढने चल रहे हैं भाई। मम्मी को वापस दिल्ली नहीं आना, यहीं पर रहना है, खैर नहीं है तब लोग इतने से लोग मूली मूली सब कुछ। मम्मी ये तो रही मूली, अच्छा देख के हमें देख के। और ये मम्मी ने तोड़ दी मूली, बस हमें एक ही काफी है, तो दो ही ले लो। ऑर्गेनिक मूली और गोभी, गाजर, ये गाजर है छोटी छोटी, किधर ये बैंगन, हाँ अनार देखो। तभी आपको मन नहीं कर रहा है जाने का वापस? अनार तोड़ो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं तोड़ो, रात में तोड़ो, छोड़ो, कितने बड़ा है ये, मत तोड़ो इन्हें। ओ हाँ कितना बड़ा हो गया अनार, वो भी है उधर भी खूब बड़ा। अरे वाह बहुत बढ़िया, तो बंदर खा जाते हैं, नहीं तो बहुत बंदर आ जाते हैं यहाँ पर। अम्मी क्या भिंडी है, क्या ये भिंडी पक गई? अब इससे बीज हो जाएंगे ना। देखो तुलसी कितनी, ओ यहाँ बढ़िया हो गई तुलसी, इधर भी है सही है। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चौधरी टेल्स, और बने रहिए ऐसे ही प्यार बांटते चलिए। हिट द शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।